कोरोना को लेकर अलवर में भी जरूरतमंदों के लिए विभिन्न संगठन और भामाशाह सहयोग कर रहे हैं। शिवमुनि, स्वर्थनाथ, दिगंबर जैन मंदिर, सूर्यनगर और परिवहन नगर सोसाइटी ने 18 दिन तक जरूरतमंदों को औसतन 800 भोजन पैकेट वितरित किए हैं। सोसाइटी की ओर से सरकार के एडवाइजरी का पालन करते हुए भोजन के पैकेट तैयार और वितरित किए जाते हैं। अध्यक्ष अशोक जैन और प्रवक्ता नरेंद्र जैन ने बताया कि आचार्य श्री की प्रेरणा से कमेटी की ओर से 3 मई तक प्रतिदिन 11 राशन किट जरूरतमंदों को वितरित किए जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का जो बोला था 14 तारीख तक का, हमने 28 तारीख से ही अपने यहाँ सोसाइटी और मुंसरफत वात्सल्य ट्रस्ट की ओर से 800-700 पैकेट रोज बनाने का निर्णय लिया था और वो काम 28 तारीख से ही चालू है। 28 तारीख से 14 तारीख तक हमारा ये कार्य सुचारू रूप से चालू रहा और ये सारी प्रेरणा हमें हमारे गुरुवर आचार्य श्री श्री 108 ज्ञान भूषण जी महाराज व माता छुल्लिखा ज्ञान गंगा जी की प्रेरणा से हुआ। तकरीबन हम 14-15 हज़ार पैकेट भोजन के बनाकर अपने असहाय भाइयों को बांट चुके जिससे कि उनके भोजन की व्यवस्था बढ़िया बनी रहे। वायरस को मद्देनजर रखते हुए रामगढ़ परिक्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उन सब ने ये बीड़ा उठाया कि कोई भी जरूरतमंद या ऐसा व्यक्ति है तो हम उसकी किसी भी तरह सेवा करें। तो इसके तहत हमारे यहाँ हमने लोगों को प्रेरित किया और हमारी माननीय उपखंडाधिकारी महोदय और श्री जगदीश जी जाटव CBO ने इस कार्य में हमारा भरपूर सहयोग किया और इसी के तहत हमारी अध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चोटीबाग की अध्यापिका साहिल ने पूरा 1 माह का वेतन दिया। हमारे एक अध्यापक जो ढाडा में कार्यरत है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाडा में कार्यरत है और वो फाउंडेशन से जुड़कर वो मास्क वितरण के साथ किट वितरण का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ रीना मुखीजा अध्यापिका है, उन्होंने सैकड़ों की संख्या में खुद ने मास्क तैयार कर लोगों में वितरित किए, साथ में अपने जो शालीमार सोसाइटी उसकी तरफ से भी वो वितरण किटों का वितरण कर रही।